इस वक्त की बड़ी खबर आ रही इंदौर से, जहां एक स्टूडेंट मोहित देवलिया और उसके पिता ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उनके बेटे को केबिन में बंद कर पाइप से पीटा गया और पुलिस पर 50,000 रुपए रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है कि 50,000 रुपए की पुलिस द्वारा रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद 30,000 रुपए देकर छोड़ने का आरोप पिता पुत्र ने विजयनगर पुलिस के ऊपर लगाया है। फिलहाल विजयनगर पुलिस का कहना है कि विजयनगर पुलिस ने आरोप को झूठा बताया है और इस मामले में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विजयनगर थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर जी। रविंद्र जी, बताइए क्या है पूरा मामला? एक मैटर था जिसमें सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग हैं जो मोहित और राहुल, ये लोग लंबे समय से डीजल बिक्री कर रहे हैं जी। अवैध डीजल बिक्री खुले में कर रहे हैं, उनको पकड़ा गया था। 35 लीटर डीजल और कुछ कट्टियां वट्टियां खाली इनसे जब्त हुई थी जी। उनको जब्त करके इन पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बस वो पुलिस पर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि जिससे वो आगे भी ये कार्य करते रहे, वो मैं करने नहीं दूंगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है जी। लेकिन सर, ये रिश्वत लेने का आरोप कहाँ तक सत्य बताया जा रहा है, क्योंकि मारपीट तो वीडियो में दिख रही है, मारपीट तो हुई है इन लोगों के साथ? सबसे पहले तो यही झूठा है कि वो स्टूडेंट है, 35 साल के ये व्यक्ति हैं, लंबे समय से अवैध डीजल चलाने की भी सूचना है, पूरा क्षेत्र जानता है, उनको पकड़ के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। तो ये सब आरोप निराधार है, जिससे पुलिस दबाव में आ जाए और इनके अवैध गतिविधियों पर ध्यान न दे जी। और ये मारपीट को लेकर सर क्या बयान सामने आएगा, इसमें जो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है क्योंकि कि मारपीट तो हुई है? नहीं, पुलिस के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है, बिल्कुल दवा बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जी। तो इस मामले में जांच अभी और चल रही है, कहां तक पहुंची है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इनका, वो डीजल की जांच होगी और इनके द्वारा जो जो फैक्ट है वो सब जांच करके हम चालान पेश करेंगे जी। जानकारी के लिए धन्यवाद। जी, नाम आपका? मेरा नाम विनोद देवलिया है। विनोद जी, बताइए कल आपके बेटे को जब थाने ले गए तो फोन आया था, फिर आपने क्या करा और थाने पे जाके क्या हुआ? मैं साहब सवेरे थाने पे गया तो मेरे से बोले आप जाओ घर, अभी टी आई साहब आएंगे जब बात होगी। मैंने कहा ठीक है साहब, टी आई साहब आएंगे। तो मैं 10 बजे वापस गया साहब। वापस गया तो इतनी देर में इस बालक को इतना खतरनाक उन्होंने डराया और इतना खतरनाक मारा, इसने मेरे को कल नहीं बताया। मेरे को आज खबर लगी इस बात की कि इसको मारा भी गया। तो उनने मेरे से कहा, बोले आपके लड़कों को छुड़वाना है तो 50,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा साहब मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं तो 2-5 हज़ार रुपये की बात होती तो दे देता। उनने लड़के को इतना डरा दिया कि उन्होंने 30,000 रुपये की यहाँ भरवा ली और मैंने तत्काल मेरे ATM से 30,000 रुपये निकाल के और नगद उन दोनों को दिए, पुलिस वालों को, प्रजापति और राजू को नगद दिए। उसके बाद इसको TI के रूम में लेके गए और उसको फिर मारा। उसके बाद में इन्होंने मेरे को 1:30 बजे बच्चे को छोड़ा। इन्होंने क्या मालूम कौन कौन सी धाराएँ लगा के कौन सा चालान बना के, और आज पेपर वेपर में भी आया है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनोद देवलिया है। भाई साहब का नाम? मेरा नाम मोहित, पिता विनोद देवलिया है। मोहित जी, बताइए कल थाने आपको क्यों लेके गए थे बीट वाले और वहाँ पे आपसे मारपीट क्यों की? मैं कल दुकान गया था सुबह अपनी गाड़ी में डीजल डालने के लिए, मैंने डीजल रखा हुआ था अपनी गाड़ी में डालने के लिए, मेरा ट्रेवल्स का काम काज है। तो एक्चुअली क्या हुआ, तो पुलिस वाला है, मुझसे वहाँ पर हाथापाई करने लगे, वो मुझे गाली गुप्ता करने लगे और मुझे जबरदस्ती थाने ले गए और मेरा जो डीजल मेरी गाड़ी में डालने के लिए रखा था वो भी डीजल थाने पर ले जाकर रख दिया। उसके बाद मुझे बहुत मारा वहाँ पर, थाने में TI साहब के रूम पर ले जाकर बहुत मारा मुझे। अच्छा, क्या बोल रहे थे पुलिस वाले मारते हो, क्यों मारा क्यों आपको? मुझे बहुत बोले तो डीजल बेचता है, ये करता है, वो करता है, तो गांजा बेचता है, मेरे को उल्टी सीधी धारा लगाने की बात कर रहे थे। बोले अगर तू हम जैसा बोलेंगे वैसा नहीं करेगा तो तेरे को बोले हम जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, कितने रुपए की डिमांड की आपसे? मेरे से उन्होंने 30,000 रुपये ले लिए मेरे पापा से उन्होंने बुला के।